तो हमारे बीच में जो कुछ मेहमान पधारे हैं, मैं उनका विस्तृत परिचय करवाना चाहूंगी। हमारे बीच में दीपक शर्मा जी हैं, 1993 से स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। जॉब करते हुए वो पटियाला, चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली आदि स्थानों पर रहे। 2008 में अपनी नौकरी छोड़कर पूरा समय स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता के नाते काम करने लग पड़े। शुरुआत में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है और उत्तर क्षेत्र सह संयोजक रहे हैं, बाद में संयोजक रहे हैं। 2015 से 2021 तक स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रहे। 2021 से वर्तमान तक वह स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख है और साथ में केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी भी हैं। इनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ हिमाचल प्रांत पधारने पर। उसके बाद हमारे बीच में हैं विनय कुमार शर्मा जी, जो कि हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं और चिंतपूर्णी के मूलतः रहने वाले हैं। फिरोजपुर, अमृतसर, भटिंडा विभाग सामाजिक कार्य इन्होंने किया है। 30 वर्ष से सामाजिक सेवा में कार्यरत हैं, प्रचारक हैं, फुल कार्यरत हैं। जोरदार तालियों से इनकी जो शिक्षा है बीएससी एलएलबी है। 3 साल पंजाब कॉलेज स्टूडेंट प्रमुख भी रहे हैं। वर्तमान में पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के स्वदेशी जागरण मंच के संगठन मंत्री हैं। इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। उसके बाद हमारे बीच में हैं घनश्याम जी, भाजपा सरकार में पूर्व कर्मचारी एवं संगठन के चेयरमैन रहे हैं। इनका भी विभिन्न संगठनों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका भी हृदय से सादर वंदन और अभिनंदन है। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं श्री हिमांशु मिश्रा जी, पूर्व में एबीपी के अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। 1992 से लेकर 2000 तक प्रदेश के सह सचिव, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सोलन विभाग संगठन मंत्री, कांगड़ा विभाग प्रमुख रहे हैं। 1999 से स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में दिल्ली में आयोजित मेले में व्यवस्था में 2 महीने का स्थान दिया था, समय दिया था। निवास स्थान इनका पालमपुर में है। इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में गौतम राम कश्यप जी हैं, जो हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं और स्वदेशी जागरण मंच हिमाचल प्रदेश के संयोजक हैं। उनका निवास स्थान कुल्लू में है। 2013 से स्वदेशी जागरण मंच में आए, उसके पूर्व खंड संपर्क प्रमुख रहे। अब वो हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी शिक्षा विभाग में कार्यरत है। इनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हमारे बीच में कुछ और मेहमान भी हैं, उनका भी मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी। हमारे बीच में है श्रीमती रूपा ठाकुर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू में कार्यरत है। स्वदेशी जागरण मंच की प्रांत महिला प्रमुख है। इनके लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हिमाचल की महिला प्रमुख होने के नाते महिलाओं को बहुत ज्यादा संगठन करना आपको पता है आजकल के बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो ये स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत की महिला सह समन्वयक है। इनका निवास स्थान भी कुल्लू में है। 2017 से स्वदेशी जागरण मंच में कार्यरत है। उससे पूर्व अखिल विद्यार्थी परिषद में भाग प्रांत की सह सचिव, उपाध्यक्ष का दायित्व भी इन्होंने निभाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला समन्वयक प्रमुख भी रही हैं। इनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इसके बाद सदन में विराजमान सभी आदरणीय सदस्यों का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अब मैं हिमांशु खरकोटला जी को और जसवंत यादव जी को और सुनील भाई साहब को मैं बुलाना चाहूंगी कि वे शॉल और टोपी पहना रही हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि साहिबान आए हैं, श्री दीपक जी को हिमांशु खरकोटला जी शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित करेंगे और उन्हें बैच लगाकर भी सम्मानित करेंगे। नेहा आप ऊपर आए और हिमांशु जी आप भी ऊपर आए।
श्याम जी, वो शैलेंद्र जी तो शॉल और टोपी और बैज पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में घनश्याम जी, शैलेंद्र जी ने चित्र माता ब्रजेश्वरी का देकर शॉल और टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। शैलेंद्र जी मंच पे आए, उन्हें बैज भी पहनाए, टोपी भी पहनाए और बैज ये नहीं आप घनश्याम जी को हमारे बीच में विनय शर्मा जी हैं, उन्हें सुनील जी चित्र माता ब्रजेश्वरी का शॉल टोपी और बैज पहनाकर सम्मानित करेंगे। हिमाचल प्रांत के सह संयोजक हैं और एक सफल उद्यमी भी हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब हमारे बीच में हिमांशु मिश्रा जी हैं, उन्हें रूपा ठाकुर जी माता ब्रजेश्वरी का चित्र देकर बैज लगाकर और टोपी पहनाकर सम्मानित करेंगी श्रीमती रूपा ठाकुर जी। हमारी महिला प्रमुख है हिमाचल प्रांत। हमारे बीच में गौतम राम कश्यप जी हैं, उनका श्रीमती अनुपमा जी स्टेज पर आकर मंच पर आकर माता ब्रजेश्वरी का चित्र और शॉर्ट टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित करेंगी श्रीमती अनुपमा ठाकुर जी। ये भी एक विशेष सफल उद्यमी हैं, अपना कारोबार चला रही हैं और बहुत लोगों को इन्होंने अपना समय दिया है और साथ में बहुत लोगों को रोजगार भी दिया है श्रीमती अनुपमा ठाकुर जी। अब मैं कुछ और परिचय करवाना चाहूंगी। हमारे बीच में कांगड़ा विभाग के प्रचारक माननीय भगवती जी भी पधारे हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन और अभिनंदन है। ये भी पूरे टाइमर प्रचारक है, इनका तो जोरदार स्वागत होना चाहिए। समाज के कार्य में योगदान दे रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, स्वागत वंदन और अभिनंदन है।
मैं थोड़ा सा एक आपको बताना चाहूंगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो हमारी हर घर की, हर समाज की, हर राष्ट्र के निर्माण के लिए वो भविष्य होता है। और जिस तरह से हम युवा पीढ़ी को चलाएंगे वो उसी रास्ते पे चलेगा और उसी तरह से हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, हमारे घर का निर्माण होगा, हमारे समाज का निर्माण होगा। युवा शक्ति जितनी ऊर्जावान होगी, आप समझ रहे हैं ना मेरा बोलने का क्या मतलब है, युवा शक्ति हमारी जितनी ऊर्जावान होगी उसकी दिशा भी वैसी ही होगी। और समाज की जो हमारा राष्ट्र है जिसकी हम बात करते हैं, हमने जो हमारे जो 140 करोड़ की आबादी है, जनसंख्या है हमारे भारत की, और 2047 तक हमारा 100 साल का हमारा हो जाएंगे आजादी के बाद का जो 2047 हम मनाएंगे, उसमें हमारा देश का निर्माण कैसा होना चाहिए, युवा कैसा होना चाहिए, हमारा नैतिक वैश्विक दृष्टि और अन्य प्रकार से हमारा महान देश कैसे बनेगा 2047 का जो हमारे टारगेट है, जो विकसित भारत अभियान के तहत जो हम करने जा रहे हैं, स्वदेशी जागरण मंच उस पर कैसे कार्य करेगा, तो मैं माननीय दीपक जी को इस पर प्रकाश डालने के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगी। वे विस्तृत रूप में आपको बताएंगे कि हमारा भारत कैसे बन सकता है, हमारी युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ सकती है। इनका जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत रुचिकर विषय है, आप ध्यान से सुनिएगा। आदरणीय दीपक जी, भारत माता की जय। मैं घोष लगाऊंगा, जब बाजार जाएंगे आपने उत्तर देना है सामान स्वदेशी लाएं। ये एक महामंत्र है, पूरे भारत 2047 को अगर एक सूत्र में कहें तो ये वो महामंत्र है। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। मंच पर उपस्थित आदरणीय विनय जी, घनश्याम जी, हिमांशु जी, प्रांत संयोजक गौतम कश्यप जी, मंच संचालिका बहन सुषमा जी, श्रोताओं में उपस्थित माननीय विभाग प्रचारक भगवती जी, माननीय जिला प्रचारक टीकम जी, प्रांत महिला प्रमुख बहन रूपा ठाकुर जी, प्रांत सह संयोजक सुनील दत्त जी, प्रांत पूर्णकालिक जसवंत जी, और हिमाचल के विभिन्न स्थानों से, जिलों से आए हुए स्वदेशी कार्यकर्ता बंधु बहन। भारत एट 2047, 2047 का भारत। मैं प्रयास करूंगा 45 मिनट में, और अगर मैं संचालिका जी की घड़ी कहीं थोड़ा रुक जाए तो 50 मिनट में आपको 300 वर्षों की एक यात्रा करना है। उसमें से अधिकांश यात्रा अतीत की है और 47 और 24 यानी 23 वर्ष की आगामी यात्रा है। आगे घटने से पहले पर पीछे सिंहावलोकन करते ही हैं, हम क्या थे? हम कुछ ऐसा तो नहीं कह रहे आपसे 2047 को जो हो ही नहीं सकता, जो अव्यवहारिक है, जो संभव ही नहीं है। उसके लिए जरूरी है आपको आप क्या थे वो बताना। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, ये 20 देशों का समूह है।
इन्होंने विश्व के विख्यात अर्थशास्त्री एंगस मेडिसन उनको कहा कि 2000 साल हो गए हैं ईसा पश्चात, वर्ष 2031 दिसंबर को पूरा हो गया था, तो कई इस काल गणना के आधुनिक काल गणना के 2000 साल पूरे हो चुके हैं, आप दुनिया के श्रेष्ठतम अर्थशास्त्रियों की टीम बनाइए और इन 2000 सालों में पृथ्वी पे जो 200 देश हैं, 203, 205 आप समय के साथ बढ़ते रहते हैं, तो 203-4 जो देश हैं, हर देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी इन 2000 सालों में उसका आप अध्ययन कीजिए, विश्व के श्रेष्ठतम अर्थशास्त्रियों को साथ लेकर जो फंडिंग होगी हम करेंगे। उन्होंने एक शानदार टीम बनाई, 20 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया और 20 वर्षों के अध्ययन के बाद उन्होंने दुनिया के सामने यह प्रस्तुत किया डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डेटा के साथ, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के डेटा के साथ, सबूतों के साथ कहा भारत को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता, भारत वास्तव में सोने की चिड़िया था। 1750 वर्ष तक 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 1750 लगातार 1750 तक भारत विश्व जीडीपी में हिस्सेदारी रखने के मामले में कभी पहले नंबर पे या कभी दूसरे नंबर पे, लगातार 1750 वर्ष तक भारत दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था या नंबर 2 अर्थव्यवस्था के रूप में रहा। और अगर दक्षिण एशिया को देख लें, चीन और भारत दोनों को मिला लें, क्योंकि नंबर 1-2 की लड़ाई इन्हीं की रही, कभी वो नंबर 1 तो वो नंबर 2, कभी वो नंबर 1 तो कभी वो नंबर 2, इन दोनों का मिला लें तो पूरी दुनिया में 50% जीडीपी की हिस्सेदारी पूरी दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था जो कि आज $103 ट्रिलियन है, आज भारत की कुल अर्थव्यवस्था $3.5 ट्रिलियन की है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज भारत की भागीदारी मात्र 3% की है। लेकिन एंगस मेडिसन ने बताया भारत की अर्थव्यवस्था 32% शेयर के साथ, अकेले भारत की समृद्धि, भारत की आमदनी, भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी शेयर दुनिया में 32% था और कुल मिलाकर 1750 वर्ष तक वो 24 से लेकर 34% के बीच में घूमा। तो ये एंगस मेडिसन ने ये बात कही और उसके आधार पर जो भारत बना, क्योंकि कहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होता, जब आपकी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं, घर, रोटी, कपड़ा, जेवर, व्यवसाय, रोजगार पूर्ण हो जाता है तो मन में आता है मैं कौन हूं। आध्यात्म तभी आता है जब हमारी भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तब आता है कि मैं खोजूं कि मैं हूं कौन, मैं कहां से आया, मैं कहां जाऊंगा, ये सृष्टि क्या है। तो इसलिए अनेक कवियों ने कहा है विश्व में भारत ने उद्योग दिया, व्यापार दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया और विश्व में आध्यात्म भी सबसे पहले भारत ने दिया। पश्चिम के जो सबसे पहले अर्थशास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, वो है थेल्स, वो तब आए जब भारत में भगवान बुद्ध थे, महावीर। तो कहने का मतलब हमने विकास का जो तरीका अपनाया, डेवलपमेंट का जो मॉडल अपनाया, वो इस प्रकार का अपनाया कि ये जो 32% की हिस्सेदारी भारत ने प्राप्त करी थी वो नदियों को नाला बनाए बिना करी थी, वो जंगलों को अंधाधुंध काटे बिना करी थी, वो वायु को प्रदूषित किए
बिना करी थी। वो मिट्टी में अंधाधुंध रसायन डालकर भूमि की उर्वरता को ही समाप्त किए बिना करी थी। वो भूजल को समाप्त किए बिना और भूजल को बिना जहरीला किए करी थी। वो संस्कृति को नष्ट किए बिना करी थी। वो संस्कारों को नष्ट किए बिना करी थी। ये वाला पंखा थोड़ा सा बंद कर देंगे। कहने का मतलब भारत के पास वो डेवलपमेंट मॉडल है कि बिना संघर्ष के, बिना प्रकृति का अंधाधुंध नष्ट किए भी तरक्की करी जा सकती है। दो तीन बातें आप कार्यकर्ता हैं, आपने भी आगे जाके जिलों में बताना है, तो आपके पास तथ्य पर आंकड़े होने चाहिए। जब हमने ये समृद्धि प्राप्त करी तो हमारे यहां कोई बेरोजगार नहीं होता। तो संस्कृत में जब कोई चीज हुआ जिसकी नहीं करती तो उसके लिए वर्ड भी नहीं है। तो संस्कृत में बेरोजगारी शब्द ही नहीं। ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बाहरी शब्द है भारत में, क्योंकि वो चीज होती ही नहीं थी। जो चीज संसार में जिसकी नहीं करती भारत में, तो उसके लिए शब्द क्यों बढ़ना। तो संस्कृत में बेरोजगारी का शब्द नहीं था। कहने का मतलब कोई बेरोजगार नहीं था, फुली एम्प्लॉयड देश की जनता थी। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब हम कहते हैं हमने ज्ञान दिया, तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। और वो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी साल 1996 में। आप कार्यकर्ता है नोट कर सकते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी बनी 427 में। वर्ष 427 में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें 10,000 छात्र पढ़ते थे, 9 लाख से अधिक पुस्तकें थी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसका दुनिया में नाम है, वो उसके 500 वर्ष बाद 1996 में बनी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने के लिए बच्चे तरसते हैं, वो कब बनी, 1426 में। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जहां दुनिया से छात्र आते थे, इससे 1000 साल पहले बन गई। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1885 में बनी, इससे 1300 वर्ष पूर्व नालंदा यूनिवर्सिटी बन गई थी। जो कहता है वर्ष 1 से लेकर 1000 तक 35% हमारा दुनिया में शेयर था जीडीपी में, 1000 से 1500 तक 28%, 1500 से 1700 तक 24%, और ऐसे करके हमारा जीडीपी शेयर रहा। 1700 के सदी में अंग्रेज आए, और जब अंग्रेज गए 1947 में, 200 वर्षों में उन्होंने जो खेल खेला, जब अंग्रेज गए तो भारत की जीडीपी रह गई 3%। कहने का मतलब हमारा जो विकास मॉडल था, जो प्रकृति आधारित था, जो हर एक को रोजगार देने वाला था, जो अक्षय था, अक्षय वो होता है जिसका क्षय नहीं होता था, ऐसा विकास मॉडल है, संभव है कि अनंत काल तक वो हम विकसित हो सकते हैं। प्रेजेंट मॉडल, स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा है, आधुनिक काल के बड़े वैज्ञानिक थे, इस विकास मॉडल से 200 साल से ज्यादा ये पृथ्वी चलेगी नहीं, क्योंकि ये प्रकृति और मनुष्यों के अंधाधुंध दोहन पर आधारित है। हमने 1750 साल तक इस विकास मॉडल को अपनाया। अंग्रेज जब गए तो हमारा दुनिया में जीडीपी शेयर रह गया 3%। क्यों रह गया? हमारे यहां बताया गया था कि विकास मॉडल का सबसे अच्छा तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप, नैरेटिव मतलब उद्यमिता, क्योंकि नौकरियां इतनी दे ही नहीं सकती कोई सरकार। अपने देश में हर महीने
9 लाख बच्चे नौकरी लेने वालों की आयु ग्रहण कर जाती है और नौकरी मांगने वालों की लाइन में लग जाती है। दुनिया की कोई सरकार एक साल में ये बच्चे 9 लाख के हिसाब से 1 करोड़ नए लोग नौकरी मांगने वालों की लाइन में लग जाती है। दुनिया की कोई भी सरकार हर साल 1 करोड़ युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। तो भारत में जो नैरेटिव था गांव-गांव तक था, बच्चे बच्चे के दिमाग में था कि उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करना है और इस कुछ करना की भावना से गांव-गांव में बच्चे उद्यमिता की तरफ जाते थे, अपने व्यवसाय खड़े करते थे, अपने छोटे उद्यम खड़े करते थे, बचपन से ही कोई हुनर सीखते थे, उस हुनर को जवानी तक आते आते एक्सपर्टीज हो जाते थे और गांव-गांव हमारे उद्योगों के केंद्र थे। कृषि प्रसंस्करण जिसे एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और प्राकृतिक संसाधन, उसके आधार पर हमारे गांव उद्योगों को केंद्र थे और पूरी दुनिया में हम हर चीज का निर्यात करते थे, चाहे वो मसाले हो, चाहे ढाका का मलमल हो, चाहे तेलंगाना का स्टील हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टील जिसकी तलवारें की धार नहीं टूटती थी भारत से निर्यात होता था और हमारे गांव उसके बड़े केंद्र थे, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसके अवशेष अब भी कुछ बचे हुए हैं, जैसे शिवाकाशी का पटाखा उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, पानीपत का कंबल उद्योग, जलंधर का खेल सामान उद्योग, तिरपुर का हौजरी उद्योग, बनारस का साड़ी उद्योग। हमारे ये जो क्लस्टर्स थे, ग्राम आधारित, रीजनल आधारित जो क्लस्टर थे, ये दुनिया को हर चीज बेचते थे और जब जाते थे माल बेचने तो वापिस क्या लेके आए, वापिस लाने के लिए तो कुछ है नहीं, सब तो भारत में बनता है। तो भारत में सोने की खाने नहीं होती, कोलार में मैसूर में कुछ सोने की खाने हैं लेकिन वहां से सोना निकालने की लागत इतनी महंगी है कि वो सोने से भी महंगा पड़ जाता है। तो भारत में सोने की खाने नहीं होने के बावजूद तो क्या लाए, ठीक है सोना लेके आएंगे। तो हमारे व्यापारी दुनिया में माल बेचते थे, बदले में सोना लेके आते थे। बंधुओं, हमें इतना लूटा गया उसके बावजूद भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और दुनिया के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि दुनिया का आधा सोना भारत में, वो 16,000 टन से लेकर 24,000 टन के बीच में उसका आकलन है कि 16,000 टन से लेकर 24,000 टन तक सोना भारत के समाज, भारत के मंदिरों के पास है। अमेरिका जो दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी है आज की तारीख में, उसका टोटल गोल्ड रिजर्व कितना है, 8,134 टन। तो ये जो भारत था, इस प्रकार का समृद्ध देश था, ये आज भी है, लेकिन भारत का समाज अमीर है। अंग्रेजों ने जो काम किया, मुख्य काम किया, उन्होंने हमें लूटा। अनेक वैज्ञानिक अर्थशास्त्री ने कहा है कि वो हमारे यहां से 200 साल में $45 ट्रिलियन पैसा लूट के ले गए। आज भारत की कुल अर्थव्यवस्था 3.5-4 ट्रिलियन की है, आप कल्पना कर सकते हैं हमें कितना रौंदा गया। आज भारत की कुल अर्थव्यवस्था 3.5-4 ट्रिलियन की है, चीन की कुल अर्थव्यवस्था 17-18 ट्रिलियन की है, अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था 24-25 ट्रिलियन की है, अंग्रेज ये डॉक्यूमेंटेड है $45 ट्रिलियन भारत से बेरहमी से लूट कर ले गए। भारत को उसका भी दुख नहीं है, उसने हमें अनेक क्रांतिकारियों का दमन किया, फांसी पर लटकाया, लेकिन उसने इससे भी जो बड़ा काम किया भारत ने, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे लोग मनुष्य भी हो सकते हैं। उन्होंने भारत का जो उद्यमिता का नैरेटिव था, हर एक को यह था सबसे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं कर पाएंगे तो नौकरी, ये हमारा स्थाई नैरेटिव था, हमारी लोकोक्तियों में था, हमारे संस्कृति के श्लोकों में था।
उन्होंने लॉर्ड मैकाले ने जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी बदली कि इनको हजारों साल तक गुलाम रखना है क्योंकि इनके पास इतनी संपदा है। विश्व की सबसे उर्वर भूमि यहां है, बस विश्व की भले ही 2.4% जमीन हमारे पास है। अगर दुनिया में 100 रुपए जमीन है टोटल, तो 2.40 रुपए जमीन ही है हमारे पास। लेकिन फीता लेके नाप लो, परसेंटेज में नहीं कह रहा, उसमें हेरा फेरी हो जाती है। फीता लेके नाप लो, दुनिया की सबसे अधिक खेती के लायक जमीन भारत के पास है, दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन भारत के पास है, दुनिया के सबसे एग्रोक्लाइमेटिक जोन, हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, दुनिया के सबसे अधिक एग्रोक्लाइमेटिक जोन हमारे पास है, दुनिया में जितने जलवायु क्षेत्र होते हैं वो हमारे पास है। तभी ऐसे नहीं कहते हैं देवता भी तरसते जन्म लेने के लिए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, इसके पीछे तर्क है, ये खाली श्लोक नहीं है। तो उनको लगा इसको तो हजारों सालों तक भी लूटेंगे तो भी यहां के खजाने खत्म होने वाले नहीं है। तो उन्होंने एक स्थायी व्यवस्था खड़ी करी कि इनके दिमाग से उद्यमिता का जो नैरेटिव है वो समाप्त किया जाए। हमारी शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले ने बदली और नौकरी सबसे अच्छी है, ये नैरेटिव इन 200 सालों में उन्होंने ये स्थापित किया। फल क्या हुआ, गांव गांव के युवाओं में ये नैरेटिव आ गया कि सबसे पहले रोजगार मतलब नौकरी, रोजगार मतलब नौकरी, कुछ करना है मतलब नौकरी। और जब वो गए अच्छी तरह हर युवा के दिमाग में बैठा गए रोजगार मतलब नौकरी, और वो हमारे गांवों का पूरा जो सोसाइटी का एक इंडस्ट्री बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप का नैरेटिव था वो तहस नहस करते गए। हमारे गांव उद्योगों से खाली हुए और भारत 3% की जीडीपी पे आ गया। आज भारत में 80 करोड़ लोग इस स्थिति में आ गए हैं, उनका कुशल क्षेम रखना है तो 5 किलो मुफ्त राशन देना है। ये संवेदनशील सरकार है कि हम जब तक रहेंगे आपको भूखा नहीं मरने देंगे। 104 करोड़ लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी स्कीम सुनते हैं आपने सुना है किसी ने, 104 करोड़ लोग डीबीटी स्कीम से जुड़े हुए हैं। औसत उनको 8.66 रुपए प्रतिदिन सहायता देनी पड़ती है। इसके पीछे एक ही कारण है कार्यकर्ता बंधुओं, भारत से जो ये नैरेटिव समाप्त हुआ है रोजगार मतलब नौकरी, रोजगार मतलब नौकरी। जो बच्चा हो 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या करोगे, नौकरी, क्या करोगे, नौकरी, नौकरी है नहीं। आप ये समझ लो एंटरप्रेन्योरशिप चॉइस नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप कंपल्शन है। क्योंकि जितनी कंपनियां हैं, कंपनियों को बोलते हैं संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां भी जिस कर्मचारी का पीएफ कटता है प्रोविडेंट फंड, उससे उसके पीएफ के खाते की गिनती हो जाती है। और सरकारी नौकरी 4 किस्म की होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो हम देखते हैं ना पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल, ये पीएसयू है। हिमाचल सरकार, हिमाचल सरकार की नौकरी, नगर निगम, नगर निगम की नौकरी, और केंद्र सरकार। कहने का मतलब 4 प्रकार की सरकारी नौकरी और ये कंपनियों की नौकरी, इसको संगठित क्षेत्र बोलते हैं। बच्चों ये सिर्फ 3.80 करोड़ नौकरियां देती है, और भारत में युवा कितने हैं, 29 साल से कम का मैं आपको डेटा बताता हूं, 29 साल से कम आयु के भारत में 75 करोड़ लोग हैं। एक दिन से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के 37 करोड़ बच्चे हैं जिनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, और 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक इस एज में तो रोजगार चाहिए ही चाहिए, नहीं तो भटक जाएंगे देशद्रोही ताकतों में, नहीं तो चले जाएंगे डिप्रेशन में, आत्महत्या की तरफ, नहीं तो चले जाएंगे अपराध की तरफ, नहीं तो चले जाएंगे ड्रग्स की तरफ। 38 करोड़ बच्चे 15 साल से 29 साल तक के हैं, कुल मिलाकर 29 साल से कम के 75 करोड़ हमारे यहाँ जनसंख्या है। अमेरिका की कुल जनसंख्या 34 करोड़ है, इंग्लैंड की कुल जनसंख्या 6.5 करोड़ है,
और मेरिटरी हर युवा का बन गया है, नौकरी करूंगा, नौकरी है नहीं। तो स्वदेशी जागरण मंच ने यह अभियान लिया है कि हम पूरे देश में तीन काम करेंगे। एक तो बच्चों को हकीकत से वाकिफ कराएंगे कि बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट द चॉइस, इट्स ए कंपल्शन। और जितनी जल्दी आप रियलाइज कर लोगे उतनी जल्दी आप अपने पैरों पे न सिर्फ खड़े हो जाओगे बल्कि यू विल नॉट बी जॉब सीकर बट यू विल बी जॉब प्रोवाइडर। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनोगे। तो पूरे भारत में एक नैरेटिव हमने चेंज करना है, नौकरी पाने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। और भारत का जो अंग्रेजों के आने से पूर्व का जो एक नैरेटिव था उद्यमिता का, वो गांव गांव तक दोबारा एस्टेब्लिश करना है। दूसरा हमने अभियान लिया है, हम केवल उपदेश नहीं देंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। हर जिले में एक जिला स्वावलंबन केंद्र खोलेंगे और वहां क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या क्या आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं, उसके लिए धन कहां से मिलेगा, सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं, उसके लिए आपको स्किल कहां से मिलेगी, क्या क्या स्किल डेवलपमेंट के तरीके हैं, उसके लिए आप जो माल तैयार करोगे वो बेचोगे कहां, तो उसके लिए क्या क्या मार्केट है, उसके लिए आपकी हैंड होल्डिंग के लिए जिला स्वावलंबन केंद्र खोलेंगे हर जिले में देश में। एक बात और, अपने देश में जो मैंने बताया संगठित क्षेत्र 3,80,00,000 लोगों को नौकरी देता है, लेकिन लोग कमा तो रहे हैं, रोजगार तो कर रहे हैं। अपने देश का रोजगार वर्ष 1947 के बाद इस तरीके से डेवलप हुआ कि अपने देश में ही माल बनाना है और अपने देश में ही बेचना है। तो देश में माल बनाना है, देश में बेचना है, इसके आधार पर अपना सारा रोजगार का, अपना ट्रेड इंडस्ट्री का सेक्टर डेवलप हुआ, जिसके कारण से 93% रोजगार हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दे रहा है। अपने यहां दो प्रकार का रोजगार है, एक है कौन सा बताया मैंने, आप बच्चे लोग सुन रहे हो, आपके से बता कौन सा बताया मैंने, संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो कितने लोगों को रोजगार देता है, 3,80,00,000 लोगों को, आबादी तो है 142 करोड़, काम करने वाले हाथ है 100 करोड़ लोग। तो बाकी लोगों को रोजगार कौन देता है, बाकी लोगों को रोजगार देता है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम बोलते हैं। वो क्या है, वो इस तरीके से विकसित हुआ है कि देश में माल बनाना है और देश में माल बेचना है। वो चार पैरों पे खड़ा होता है, अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम। मैं दोहराता हूं, अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम के आधार पर कुछ युवा एक पहल करते हैं, मैं कोई काम करूंगा, और वो अपना उद्यम खड़ा करते हैं। और जो लोग उन जैसे नहीं होते, एक कदम पीछे रह जाते हैं, भगवान ने पांचों उंगलियां तो नहीं बनाई, कुछ लोग होते हैं एक कदम पीछे रह जाते हैं, नहीं पूंजी अरेंज कर पाए, नहीं है शिक्षा उतनी। तो वो लोग जो अपना ये उद्यम खड़ा कर लेते हैं, वो लोग जो लोग एक कदम पीछे रह जाते हैं, उनको जो है जहां है और जैसा है, अनपढ़ है, गरीब है, दिव्यांग है, विधवा है, बूढ़ा है, गांव में है, दूर कस्बे में है, दुर्गम क्षेत्र में है, मतलब जो है जहां है जैसा है, उस आधार पर रोजगार दे देते हैं। अपना असंगठित क्षेत्र अपनी बुद्धि, अपनी पूंजी, अपनी मेहनत, अपना जोखिम पे अपने उद्यम खड़ा करता है और 93% रोजगार वो लोगों को दे देता है जो है जहां है जैसा है। इसको बोलते हैं
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो जहां एक और हमें बच्चों में ये डेवलप करना है कि उद्यमिता का नैरेटिव हम बिल्डअप करें, बड़े होकर हम कुछ करेंगे बजाय नौकरी नौकरी के। नौकरी मिलती है करें, बुरा ही नहीं, लेकिन बचपन से कोई स्किल अपनी डेवलप करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है और जो इस पद्धति पे विकसित हुआ है कि अपना देश अपने देश में माल बेच रहे हैं, दिक्कत क्या है? उनको ये बताना है 1991 में नई आर्थिक नीतियां आ गई है। 1991 में नई आर्थिक नीतियां आ गई हैं। अब पूरी दुनिया का उद्योग व्यापार